खाना तो हम रात खाते हैं और चाय भी पीते हैं, लेकिन आज की रात कुछ खास थी क्योंकि गैस जो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब क्या, गैस तो ख़त्म थी फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। आखिर चाय जो पीनी थी, चाय तो डेली पीना है, हर रात पीनी है। हमारी CID टीम ने ठाना, यद्यपि गैस नहीं है हमारे पास, फिर भी हम चाय बना के रहेंगे। और देखिए इस चाय बनाने के सफ़र को, कितना एडवेंचरस रहा, कितना फैसिनेटिंग रहा। हर मुश्किल से टकराएंगे, टस्से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये है हमारी CID टीम के दया यानी सुमित। ये जो महाशय खड़े हैं, ये है हमारी CID टीम के विवेक यानी हेमंत। अचानक से जिनकी एंट्री हुई है, इनको हम कहते हैं अभिजीत यानी गौरव। और मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मैं हूं ACP, नाम बताने की जरूरत नहीं। दूर जो तन्हा बैठे हुए दिख रहे हैं, ये चचा हैं और हमारी CID टीम के फ्रेडी। कमाल तो करते ही हैं और साथ में धमाल भी। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। जब चाय बनाने के सफर में हमने चाचा से कहा क्या वो हमारी मदद करेंगे, तो सुनिए उनका क्या कहना था। आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो चाय बनने का सिलसिला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये चाय बन पाएगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओह, ये तो हमारी मदद करने को तैयार नहीं। कितनी अजी रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजी रिश्ते हैं यहाँ पे। अब जब इस सिलेंडर में बिल्कुल भी गैस नहीं बची, तो हमें लगा अब तो हमारा प्लान ड्रॉप हो गया। तभी सबकी नज़र पड़ी घर में रखे न्यूज़पेपर्स पर। सोचा क्यों ना कुछ आज तूफानी किया जाए। अब चले CID टीम के विवेक भैया पेपर कलेक्ट करने, क्योंकि पेपर जलाकर चाय जो बनानी है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या के जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
और आखिरकार सीआईडी टीम की मेहनत रंग लाई और चाय बनकर तैयार हो गई और सबने इस चाय को मस्ती से पिया क्योंकि इस चाय का टेस्ट थोड़ा अलग जो था।